आशा और आशा पर्यवेक्षकों का 1000 रुपए एवं 500 रुपए कोविड राशि का भुगतान अचानक ही बंद किए जाने और सभी सत्र का 200 रुपए भुगतान न होने की समस्या को लेकर आशा उषा कार्यकर्ताओं ने शनिवार को कलेक्ट्रेट के सामने धरना दे दिया। आशा उषा और आशा पर्यवेक्षक कार्यकर्ता संगठन की जिला अध्यक्ष उर्मिला भादे, सचिव वंदना सूर्यवंशी समेत अन्य ने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा कोविड-19 संबंधी अभियान के लिए आशा एवं आशा पर्यवेक्षकों को दिए जा रहे 1000 एवं 500 रुपए की राशि को अचानक बंद कर बेहद अन्यायपूर्ण कदम उठाया है। अल्प वेतन पाने वाली आशा एवं आशा पर्यवेक्षकों पर सरकार का यह हमला बेहद घातक है। एक तरफ कोविड वैक्सीनेशन एवं इससे संबंधित सर्वे के काम में आशा एवं सहयोगियों से सुबह 7 से 8 बजे से लेकर रात्रि 9 से 10 बजे तक काम कराया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा सितंबर में ही पत्र जारी कर प्रदेश के अधिकारियों को अवगत कराया है, लेकिन वैक्सीन का काम आराम से चलता रहे। विभाग ने इस जानकारी जब भुगतान का वक्त आया तो अधिकारी धीरे धीरे बता रहे हैं। विभाग का यह कारनामा न केवल अन्यायपूर्ण है बल्कि अनैतिक और शर्मनाक भी है। एक तरफ आशा एवं आशा पर्यवेक्षक अपने परिवार की व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी को छोड़कर सुबह से लेकर रात तक काम कर रही है। एक श्रमिक का कार्य दिवस 8 घंटे का होता है, वही आशाओं से 12-12 घंटे से अधिक काम कराया जा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुए भुगतान को दिए जाने की मांग की। हाँ, मैं श्रीमती उर्मिला भादे छिंदवाड़ा जिला से आशा उषा सहयोगी कार्यकर्ता की जिला अध्यक्ष। माननीय महोदय कलेक्टर महोदय साहब से हमारे आशा उषा पर्यवेक्षक कार्यकर्ता का यही निवेदन है कि जो कोरोना काल के 1000 रुपये आशा कार्यकर्ता को दिया जाता था, 500 रुपये पर्यवेक्षक कार्यकर्ता को, वह पैसे की राशि अभी बंद कर दी गई है। और हम शासन प्रशासन से यह विनती करते हैं कि वह 1000 और 500 की राशि न काटी जाए और आशा पर्यवेक्षक को जो 200 रुपये प्रति सत्र दिया जा रहा था वह भी अभी तक दिया नहीं है। तो शासन से निवेदन करते कि जब तक कोरोना काल चलेगा यह 200 रुपये हमें प्रति सत्र दिया जाए और 1000 और 500 की राशि भी प्रति माह दी जाए। हम शासन से यही विनती करते हैं कि हमारी कार्यकर्ताओं का कोई पैसा न काटा जाए। समय और उनके परिवार को देखते हुए 2000 रुपये में आशा कार्यकर्ता का घर परिवार नहीं चलता है और 7000 में आशा पर्यवेक्षक का घर परिवार नहीं चलता है। यह सब समस्या को देखते हुए शासन प्रशासन से हमारी कार्यकर्ता निवेदन करती है कि 1500 की राशि न काटे और 200 की राशि प्रति सत्र दी जाए। BCN न्यूज़ के लिए छिंदवाड़ा से शेखर राजपूत की रिपोर्ट।